नमस्कार दोस्तों, इकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिप्स, जिसे ना उबालने की ज़रूरत है और ना ही धूप में सुखाने की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने छीलकर पानी में रखा है। चिप्स बनाने के लिए हमें इस तरह का कद्दूकस चाहिए, जिसमें चिप्स बनाने के सांचे होते हैं। इसके अंदर दो सांचे आते हैं, एक डिज़ाइन वाला और एक प्लेन। अगर आपके पास ये नहीं है तो चॉपर के अंदर ये सांचे आते हैं, देखिए इस तरह के। तेल मैंने गरम करना रख दिया है, अब हम चिप्स बनाएंगे। तेल हमें मीडियम गरम चाहिए और इस तरह से आलू को चलाते हुए फटाफट से चिप्स डायरेक्ट हम तेल के अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह से, ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड। आप चाहे व्रत हो, चाहे आपका मन करे चिप्स खाने का, तो आप इस तरह से झटपट से चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है चिप्स बनाने का, ये एकदम बाजार जैसे कुरकुरे चिप्स बनकर तैयार होते हैं। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो चिप्स जो है वो जल जाएंगी, फ्राई नहीं हो पाएंगे। देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं हमारे चिप्स, एकदम कुरकुरे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसी तरह हम और चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, ये तो आपने देख ही लिया है। और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तेल और आलू और एक सांचा चाहिए हमें चिप्स बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हम इस चिप्स को भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले चिप्स फ्राई किए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी आपका चिप्स खाने का मन करे तो आप इस तरह से चिप्स फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारे ये चिप्स भी फ्राई होके तैयार हैं, एकदम कुरकुरे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अब इन चिप्स को भी हम बाहर निकाल लेंगे। आप इन चिप्स को टिश्यू पेपर पर ना रखें, सीधा ही कोई बर्तन के अंदर डाल दें। टिश्यू पेपर से ये चिप्स में सीम आ जाएगी और फिर ये चिप्स कुरकुरे नहीं रह पाएंगी। और इनमें आप नमक, काली मिर्च चाहे लाल मिर्च छिड़क के खा सकते हैं। देखिए इस तरह से किसी बर्तन में रख ले। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दें। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दोनों तरह से आप इस चिप्स को बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरेपन की आवाज़ आ रही है इनमें, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी टेस्टी हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे चिप्स बनकर तैयार हैं खाने के लिए, बहुत टेस्टी हैं। देखिए एकदम कुरकुरे बने हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।